नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नीट 2024 का रिजल्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पे घमासान सा छिड़ गया है। हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। मामला सिर्फ ये है कि आखिर नीट 2024 के रिजल्ट में 67 बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर गए। इन सबके सामने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो सामने आया है, जहां उन्होंने स्टूडेंट को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग भरोसा रखें। स्टूडेंट के खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर बिना फैक्ट्स के, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के अगर आप वीडियो बनाते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, तो इनका हर जाना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आगे अपने वीडियो में बताया कि यह कोई गलती नहीं है, बल्कि एनटीए के ऑफिशियल्स की ह्यूमिनिटी है, जो उन्होंने ह्यूमन ग्राउंड्स पे कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दी। इस बात को समझे, सिर्फ शोर मचाने से यह तय है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी प्रोग्रेस की तरह बढ़ने की कोशिश भी कर रही है, तो हम उन्हें वापिस से रूढ़िवादी होने के लिए धकेल रहे हैं। आगे विवेक बिंद्रा बोले कि बिना फैक्ट्स जाने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का है। कोचिंग सेंटर सिर्फ इस मुद्दे को अपने पर्सनल गेन के लिए बढ़ा रहे हैं, जिससे एग्जाम दोबारा हो और उनके क्रैश क्वेश्चन की बिक्री हो। वीडियो में कई बार विवेक बिंद्रा ने बोला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें और वो बच्चों के हक में फैसला देंगे, और ऐसा ही हुआ। इस मामले में अब आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने एनटीए को ठहराया निर्दोष। कंपेंसेटरी मार्क्स के पास हुए 1563 स्टूडेंट के री एग्जाम कराने का भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब लोग इस फैसले के भी खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि खुद सरकार मामले की गंभीरता को समझ रही है, तभी मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया। और इस तरह का बयान देने से जो 24 लाख बच्चे अपने भविष्य की आस में हैं, वो भी डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम ना उठा ले।